विवादों में घिरी और गायब चल रही ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही। अब केंद्र सरकार के मानव संसाधन का ब्यौरा रखने वाले कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग यानी DOPT ने पूजा खेड़कर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। साथ ही उनसे 2 अगस्त तक उनके खिलाफ लगे आरोपों पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। इस नोटिस के बारे में हमारे सहयोगी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए DOPT के अधिकारियों ने बताया, विभिन्न एजेंसियों के पूछताछ के बाद 26 जुलाई को ईमेल के साथ साथ उनके पते पर भी कारण बताओ नोटिस भेजा गया था। खेड़कर को नोटिस का जवाब देने के लिए 7 दिन का समय दिया गया है। प्रक्रिया के अनुसार नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा गया है। वह DOPT के सामने व्यक्तिगत रूप से पेश होकर या लिखित जवाब भेज सकती हैं। अगर वह समय सीमा के अंदर जवाब देने में विफल रहती हैं, तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि महाराष्ट्र की विवादित ट्रेनी IAS ऑफिसर पूजा खेड़कर नॉट रीचेबल हो गई। राज्य सरकार की तरफ से ट्रेनिंग रोके जाने और फिर UPSC की तरफ से धोखाधड़ी की FIR दर्ज कराए जाने के बाद पूजा खेड़कर पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इस सब के बीच अब वह पुणे पुलिस के संपर्क में भी नहीं है। पूजा खेड़कर ने वाशिम तबादला होने के बाद पुणे के कलेक्टर सुहास दिवसे पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था। इसके बाद उन्होंने पुलिस को एक शिकायत भी दी थी। पुणे पुलिस इस हाई प्रोफाइल मामले में खेड़कर का बयान दर्ज कराने के लिए अब तक 3 बार समन भेज चुकी है, लेकिन वो अभी तक पेश नहीं हुई है। पुणे पुलिस के अनुसार पूजा खेड़कर का नंबर नॉट रीचेबल है, वे अपने नंबर पर उपलब्ध नहीं है, ऐसे में उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। पिछले दिनों केंद्र सरकार की तरफ से पूजा खेड़कर के माता पिता की वैवाहिक स्थिति की रिपोर्ट पुणे पुलिस से मांगी गई थी। पुलिस ने केंद्र सरकार को भेजी रिपोर्ट में कहा कि पूजा खेड़कर के माता पिता का तलाक हो चुका है। पूजा खेड़कर ने एक मॉक इंटरव्यू में कहा था कि वो अपने पिता के साथ नहीं रहती। वही पूजा खेड़कर की मां मनोरमा खेड़कर पिस्टल लहराकर किसानों को धमकाने के मामले में अभी जेल में है। ये मामला भी पिछले साल का था, लेकिन पूजा खेड़कर के बहाने उनकी मां की करतूत भी सामने आ गई, जिस वजह से उन्हें जेल की हवा खानी पड़ी। वो वीडियो भी आपको दिखा देते हैं। पूजा खेड़कर आखिरी बार UPSC की तरफ से FIR दर्ज कराए जाने के बाद वाशिम में मीडिया के सामने आई थी। तब उन्होंने कहा था कि वह अपनी बात कोर्ट के सामने रखेंगी, लेकिन पूजा खेड़कर गायब हैं और पुलिस उनकी तलाश में है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।